मेरे लिए किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत औखा, लेकिन सच्ची गल करने लई हमेशा तैयार है। आप सरकार गल्लां कीतियां बगैर मतलब दे नहीं कोसिया, लेकिन उन्होंने गल की कि बासमती ट्रेडमार्क पंजाब का होना चाहिए, पंजाब का हक है उद्दे ते उहदे सुधार लिया जिहड़ा तुसीं 1,000 रुपया उहदी प्रोक्योरमेंट लई रख्या या उहनूं सपोर्ट करन लई रख्या, यह घट्टो घट 15-20 हज़ार करोड़ रुपया होना चाहिए। जदों लोड़ पई बासमती दीआं कीमतां डाउन होण ते सरकार उहनूं सपोर्ट करे, खरीदे, एक निर्धारित कीमत तय कर लो कि इदों डाउन जदों आएगी सरकार एंटर करेगी। एक सुझाव तो मैं ये दिता। दूजा कि भाई DSR नूं प्रमोट करना चाहिए, पानी नूं बचाउणा चाहिए। 5,40,000 एकड़ तो कट के 80,000 एकड़ ते इस बार DSR आ गया। क्यों आया? सानू उनू गंभीरता ना देखना चाहिए, क्योंकि DSR की बजाई जे असी करावांगे तो पंजाब का 30% पानी बचेगा। खेतीबाड़ी दी ट्रेसेबिलिटी की गल FM साहब ने भी अपने स्पीच की थी। वो जिहड़ा कानून है, एक्ट जिहड़ा लिया गया, वो मैनू 111 दिन की सरकार दे विच मैं लिया, और मैनू खुशी हुई कि साड़ी गल अज फाइनेंस मिनिस्टर साहब रख रहे हैं, भावें मूँह वह सी गल साड़ी सी। सो उहनू अज आलू की भाव विक रहा 2 रुपये 3 रुपये, जिमीदार दे पल्ले नहीं पूरे हो रहे, गोभी वाले रुल गए। तो जदों तुसी लोग ऑपोजिशन सीगे तुसी कहिंदे सीगे कि जे हिमाचल प्रदेश सियां दे उत्ते MSP दे सकदा ते सब्जियां ते मैं MSP होनी चाहिए आ। इस साल गोभी का जिहड़ा किसान सी वो मतलब रुल गया, उहदी 1 रुपये किलो गोभी किसी ने नहीं खरीदी, आलू वाले रुल रहे आ, हुण 2-2 3-3 साल इन्हां ने उठना नहीं। इस वेले इन्हां नूं एक्ट करना चाहिए सी और इहदे लई प्रोविजन रखने चाहिए सी। इहो जिहियां गल्लां कीतियां। एक मैं जिहड़ा 13,000 करोड़ रुपये दे एरियरस पेंशन दे ते बाकी साढ़े DA वगैरह दे साढ़े इंपलॉइज़ दे आ, तुसीं वाइट पेपर पिछले साल जारी किया ते तुसीं कहा भी 13,000 करोड़ रुपया एडमिट किया ते उहनूं दिओ। तुसीं चाहुंदे हो कि भी लोग सड़कां ते ना उतरन, अपना टैंपर ना लूज़ करन, अग्रैशन च ना आउण, एक गल्लां उहनां ने कीतियां सीआं ते अज सारा देखो की हो रहा। दे शुड एड्रैस दैट प्रॉब्लम। और गल्लां बड़ियां ने ते मैनूं तां बड़ियां चेते चूते नहीं रहिंदियां यार। ओके, मेरे लिए किसी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत औखा, लेकिन सच्ची गल करन लई हमेशा तैयार है। आपां सरकार नूं वो गल्लां कीतियां बगैर मतलब दे नहीं कोसिया, लेकिन उन्होंने गल की कि बासमती ट्रेडमार्क पंजाब का होना चाहिए, पंजाब का हक है उद्दे ते उहदे सुधार लिया जिहड़ा तुसीं 1,000 रुपया उहदी प्रोक्योरमेंट लई रख्या या उहनूं सपोर्ट करन लई रख्या, ये घट्टो घट 15-20 हज़ार करोड़ रुपया होना चाहिए। जदों लोड़ पई बासमती दीआं कीमतां डाउन होण ते सरकार उहनूं सपोर्ट करे, खरीदे, एक निर्धारित कीमत तय कर लो कि इदों डाउन जदों आएगी सरकार एंटर करेगी। एक सुझाव तो मैं ये दिता। दूजा कि भाई DSR नूं प्रमोट करना चाहिए, पानी नूं बचाउणा चाहिए। 5,40,000 एकड़ तो कट के 80,000 एकड़ ते इस बार DSR आ गया। क्यों आया? सानू उहनूं गंभीरता नाल देखना चाहिए, क्योंकि DSR की बजाई जे असी करावांगे तो पंजाब का 30% पानी बचेगा। खेतीबाड़ी दी ट्रेसेबिलिटी की गल FM साहब ने भी अपने स्पीच की थी। वो जिहड़ा कानून है, एक्ट जिहड़ा लिया गया, वो मैनू 111 दिन की सरकार दे विच मैं लिया, और मैनू खुशी हुई कि साड़ी गल अज फाइनेंस मिनिस्टर साहब रख रहे हैं, भावें मूँह वह सी गल साड़ी सी। सो उहनू अज आलू की भाव विक रहा 2 रुपये 3 रुपये, जिमीदार दे पल्ले नहीं पूरे हो रहे, गोभी वाले रुल गए। तो जदों तुसी लोग ऑपोजिशन सीगे तुसी ये कहिंदे सीगे कि जे हिमाचल प्रदेश सियां दे उत्ते MSP दे सकदा ते सब्जियां ते मैं MSP होनी चाहिए आ। इस साल गोभी का जिहड़ा किसान सी वो मतलब रुल गया, उहदी 1 रुपये किलो गोभी किसी ने नहीं खरीदी, आलू वाले रुल रहे आ, हुण 2-2 3-3 साल इन्हां ने उठना नहीं। इस वेले इन्हां नूं एक्ट करना चाहिए सी और इहदे लई प्रोविजन रखने चाहिए सी। इहो जिहियां गल्लां कीतियां। एक मैं जिहड़ा 13,000 करोड़ रुपये दे एरियरस पेंशन दे ते बाकी साढ़े DA वगैरह दे साढ़े इंपलॉइज़ दे आ,
ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਐਡਰੈਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੇਤੇ ਚੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯਾਰ। ਓਕੇ।